आप में से बहुत सारे लोग कलाकार आर्टिस्ट बनने या फिल्म लाइन में काम करने के लिए मुंबई चले आते हैं और मुंबई आने के बाद आप जहां पे भी जाते हैं काम के लिए या कहीं पर भी काम पाने के लिए प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं तो वो एक सवाल आपके सामने खड़ा कर देते हैं कि क्या आपके पास कार्ड है। हम कार्ड वालों को ही काम देते हैं भाई, आखिर ये कार्ड है क्या? क्या सच में कार्ड से आपको काम मिलेगा? ये कार्ड कितने में बनता है? कई बार तो आपको कार्ड के चक्कर में नकली कार्ड बना के दे दिया जाता है। कार्ड का ये पूरा मामला क्या है? क्यों कार्ड हमें रखना चाहिए? क्यों कार्ड से लोग जो है शूटिंग हमें देते हैं, हमें काम करने का मौका देते हैं? और जो कार्ड वाली जो यूनियन होती है वो हमें क्या बेनिफिट देती है, वो हमें क्या सुविधाएँ देती हैं और हमें उस कार्ड के यूनियन से कितनी सारी चीज़ें जो हैं सुविधाएं जो है मिलती हैं, ये आपको नहीं पता है। तो आज मैं आपको ऐसे यूनियन के बारे में बताता हूं जो करीबन 26 अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं फिल्म लाइन में उनकी जो है एक मिला के संगठना बनी है और वो पूरे मेंबरों को, जो भी उनके मेंबर का कार्ड लेता है, उनको अलग अलग तरह की सुविधाएं देता है, चाहे वो मेडिकल का खर्चा हो, चाहे उस मेंबर की बेटी या बेटे के पढ़ाई का खर्चा हो, चाहे उसकी शादी का खर्चा हो, चाहे उसे रिटायरमेंट प्लान करना हो तो उसका भी खर्चा, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसे मिलेंगे, ये सब कुछ एक यूनियन करती है। तो चलिए ये कौन सी यूनियन है ये जानते हैं आज की वीडियो में। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं भोजपुरी वन चैनल। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि फिल्म लाइन की ऐसी ही अनोखी जानकारी लेकर मैं हमेशा आते रहता हूं। तो चलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज आपके सामने ऐसा यूनियन मैं लेके आ रहा हूं जो अपने कामों को केवल बताता नहीं, वो अपने कामों को मैगजीन में हर साल एक अंत में, हर साल जो है साल के अंत के अंदर मैगजीन में पूरा का पूरा लेखा जोखा बता देता है कि आखिरकार उसने अपने मेंबरों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या हेल्प की है। विश्वास नहीं हो रहा है तो चलिए आपको दिखाता हूं ऐसे ही यूनियन का पूरा एक मैगजीन जिसे आप समझ जाएंगे। दोस्तों लीजिए, आ गया है ये एक यूनियन है जिसका नाम है फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइन मजदूर यूनियन। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता तो इस यूनियन को आज देख लीजिए। इसमें करीबन 45,000 से भी अधिक मेंबरों वाली एशिया की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कहा जाता है। अब आप अगर इसे पहले कहीं देखे होंगे तो आप देख के आप समझ जाएंगे। इस यूनियन के पोस्टर कटआउट आपको फिल्म इंडस्ट्री के किसी स्टूडियो के बाहर नज़र आ जाएगा। सबसे बड़ी यूनियन है। इसमें पहले ही जो देखिए ये मेरे पास है वार्षिक रिपोर्ट जो 2018 की हिंदी में है जिसे मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं। कई बार ऐसे जो संगठना वाले कार्ड आपको मिल जाते हैं, संगठन वाले कार्ड मिल जाते हैं और आपसे जो है कई रुपए ले लेते हैं और असली यूनियन के बारे में आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो ये देखिए इस प्रकार की यूनियन होती है। अब आप जो इस यूनियन का कार्ड बनाए होंगे और उससे ज़रा ये सवाल हम कंपेयर करते हैं कि ये यूनियन क्या क्या आपको बेनिफिट देती है शूटिंग में काम के अलावा। और आपके पास जो कार्ड होगा आप एक बार सर्च करिएगा कि कौन सा कार्ड आपने लिया है और क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हम इस पेज पे जाते हैं। मैं आपको ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि देखिए इसके अंदर जो 2018 के समय आमदार श्री राम कदर जो है इसमें चेयरमैन थे, श्री गंगेश्वर श्रीवास्तव संजू जिसे कहते हैं शॉर्ट मतलब प्यार से जनरल सेक्रेटरी थे। अंदर चलते हैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीए एम्प्लॉयज के जो सारी चीजें हैं यहाँ पे लिखी गई, एड्रेस वगैरह है जिसे अगर आप रजिस्ट्रेशन भाषा में देखें यहां पे शॉर्ट फॉर्म में FWICE यहां पे दिया गया है, उनका यहां पे नंबर है। इसके अंदर दोस्तों कितने सारे यूनियन हैं, छोटे बड़े जो यूनियन मिला के हैं, अगर इनमें से किसी का कार्ड आपके पास है तो इस फेडरेशन के साथ वो जो है यूनियन जुड़ी हुई है। जैसे कि देखिए यहां से एक से लेकर 26 अलग अलग प्रकार के इसमें यूनियन है जिसके अंदर इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन है, वेस्ट इंडियन सिनेमाटोग्राफी फ्रस्ट्रेशन है, स्क्रीन गिल्ड ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न इंडियन मोशन पिक्चर एंड, देखिए बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर और ये सारी चीजें लिखी गई।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि कभी आपने अगर इस मजदूर यूनियन का नाम सुना होगा तो उसमें एक दमदार नाम आपने जो है हमारे हिंदी सिनेमा के बॉलीवुड स्टार जो हैं उनका नाम जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ और उनका नाम था श्री मिथुन चक्रवर्ती, मशहूर अभिनेता एवं पूर्व चेयरमैन फिल्म स्टूडियो सेटिंग अलाइनमेंट मजदूर यूनियन के। जी हाँ दोस्तों, ये मिथुन चक्रवर्ती साहब हैं जो कभी इस यूनियन के चेयरमैन हुआ करते थे। अब इसी की बात, अब आपको पुराने किसी की बातें याद आ गई होंगी, है ना, कि यार मिथुन चक्रवर्ती भी किसी यूनियन के चेयरमैन है। तो भाई इसी यूनियन के वो चेयरमैन थे और उनके बाद देखिए इनकी जो बातें हैं यहाँ पे लिखे हैं, भले आज पद पे नहीं हूँ, उनकी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़ के नहीं बता। और ये जो हैं इन्हें अगर आप जानते हैं तो आज ये राजनीतिक में भी हैं, पार्टी से हैं, राजनेता हैं और ये भी अभी इस समय पद पर हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए इसमें बी एन तिवारी साहब हैं, जो पद है जो भी चीज़ें इस यूनियन में जो अपने पद पर हैं उनके सारे डिटेल दिए गए हैं। गजेंद्र चौहान जी हैं, अभी इस समय चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन एफटीआई के इसमें हैं, इन सब जो है लोग इसमें सामने से पूरा डिटेल है। मैं थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पर जो है ऑफिस के स्टाफ है उनकी भी जानकारी दी गई है। अगर आप इनके यूनियन के ऑफिस में जाएंगे तो आपको जो है चेहरा पहचानने में आसान होगा। अब चलते हैं थोड़ा और आगे पे, देखिए ये तो अभी इस समय जो है भाई गंगेश्वर जी छाए हुए हैं इस यूनियन में। थोड़ा बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है यूनियन ने कई चीजों पे अलग अलग खर्चा किया जो यहां पर उन्होंने दर्शाया है। अभी देखिए यहां पे लिखा है यूनियन की बैंकों की कुल जमा राशि फिक्स डिपॉजिट जितनी की गई है वो यहां पे पूरा डिटेल दिया गया, क्योंकि आपसे जब वो पैसा लेते हैं चंदे के रूप में या आपके कार्ड बनाते हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं पूरा डिटेल दिया है यहां पे। गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव संजू के नेतृत्व में अलायन मजदूर यूनियन द्वारा अपने मेंबरों को अब तक दिए गए बेनिफिट, देखिए यहां पे जो है एजुकेशन पे कितना खर्चा किया है, मेडिकल पे, मैरिज फंड, रिटायरमेंट, ये पूरा जितना खर्चा उन्होंने किया इसका सारा लेखा जोखा यहाँ पे बताया है। और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, देखिए यहाँ पर यूनियन के नियमों के बारे में और उनके बदलाव के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आपके पास ये बुक होगी तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएगी। अब यहाँ एजुकेशन पे जो है जो के लिए कितना कैसे किया दिया जाता है वो यहाँ पे दर्शाया गया, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक में दिखा देता हूँ। ये देखिए पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक को जो है 1400 तक का दिया जाता है, पांचवी कक्षा, दसवीं और ऐसी इस तरह की जो है अमाउंट दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया यहाँ पे है रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 55 साल से अधिक होने पर भी जो है रिटायरमेंट पे जो है वो मिलता है। अब देखिए ये जो यूनियन है ये सेट पर उपलब्ध होने वाली मल्टी जो स्पेशलिटी एम्बुलेंस जो और साथ में रहेंगे डॉक्टर और नर्स, ये जो है यूनियन जो है FWICE जो है ये सेट पर अगर कोई शूटिंग पर दुर्घटना होती है तो आपकी ये चीज़ें जो है वहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, ये यूनियन ही मुहैया कराता है। यूनियन जो है देखिए यहाँ से नागपुर से मिलने वाले बेनिफिट के नियम, ये जो है नागपुर में भी इनकी एक संस्था है, ये यूनियन है जो काम करती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैरिज फंड है, लड़कियों की शादी हेतु विवाह अनुदान राशि, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल है, नाम के साथ कितनी राशि दी गई, उनका कार्ड नंबर भी दिया गया, क्योंकि जब यूनियन कार्ड बनता है तो आपको कार्ड नंबर भी मिलता है, उस कार्ड नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पर जो आपके घर पर कोई होता है या फंक्शन है कुछ ऐसा का शादी विवाह का खर्चा है वो आपको यहाँ से यूनियन पे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा लिस्ट दिया गया, इसमें कोई कहीं छुपाने की बात नहीं है। अब तक देखो कितना है, 93,35,000 रुपये जो है इन्होंने अब तक जो है इस पर शादियों में जो मैरिज फंड है उतना खर्चा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ मेडिकल ऐड पे देखिए, मेडिकल जो ऐड करते हैं ये उस पर इन्होंने कितना रुपया खर्चा किया है, लोगों को दिया वो भी यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। आप देखते रहिए दोस्तों, मैं आगे अभी और अभी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे रिटायरमेंट के ऊपर देखिए कि जो लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं, जैसे हरी सोनू घर से जो है उन्होंने लिया है, अमन पुढारी लिया, जो रिटायरमेंट लेते हैं उनके भी देखिए यहाँ फंड उन्होंने अभी तक ये 75 लाख रुपए अब तक रिटायरमेंट पे, ये एक साल का ब्यौरा दोस्तों तो मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए पूरा जो है, और जितने मेम्बर हैं उनको किसी प्रकार की कोई जो है बड़ी बीमारी आ गई उनको राशि दिया है तो बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ, ताकि कोई मेम्बर सवाल ना उठा पाए, कोई लोग ऐसे ना करे कि यहाँ ठग हो रहा है या बेमानी हो रही है, तो जहां जहां उन्हें अनुदान दिया गया वो सारी डिटेल यहां पर दी गई है, नाम और कार्ड के साथ में, बीमारी के साथ में बताया गया कि इन्हें ये दिया गया। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आप बता दूं कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि यूनियन से क्या फायदा होता है, तो देखो दोस्तों यहां पर पहली बार फिल्म मजदूर परिवार
को मिली 41 लाख रुपए की मदद थी। देखिए ये क्या हुआ घटना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ उसी के हिसाब से साजिद नडियाडवाला प्रोडक्शन की फिल्म हाउसफुल फोर जब बन रही थी, उसके सेट पर हुए हादसे में एक मजदूर सोलई करुपन पूरी तरह से झुलस कर घायल हो गए थे। देखिए और उसी दौरान जो है जो ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं उनकी जो मृत्यु हो गई थी और उनके घर वालों को साजिद नडियाद वाले प्रोडक्शन हाउस जो है देखिए यहाँ पे उनको अनुदान दे रहे हैं, जबकि पूरी राशि मिलाकर 41 लाख रुपए की मदद हुई थी, जिसमें आप देख रहे हैं टोटल यहाँ खर्चा लिखा हुआ है, दिया गया है उनको, मतलब अनुदान मिला है। 1 लाख अलाइन मजदूर ने दिया था, 4 लाख मजदूरों ने अपना एक दिन का वेतन जो है, देखिए कितनी बड़ी बात होती है, जितने भी यूनियन के लोग थे वो एक साथ मिलकर यहाँ पे देखिए उन्होंने करीबन 4 लाख रुपए जो है दिए थे। और ये जो है 22 अगस्त को साजिद नडियाड वाले ने जो है हाउसफुल फोर के सेट पर ये हादसा हुआ था और ये इस पे इनको टोटल अब तक 41 लाख रुपए की मदद इनके परिवार को जो घायल हुए थे, जो जिनकी मृत्यु हुई है इसमें इस पूरे हादसे में शूटिंग के दौरान उनको मिले थे। तो ये दोस्तों ये पूरा का पूरा मैंने आपको जो बता दिया है कि यूनियन का फायदा बताया, अगर इस तरह की यूनियन कोई हो आपके नज़र में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर मेंबरों के लिए घर की कोई सुविधा आने वाली है तो वो बताया है, मेडिकल सेट में शूटिंग पे कुछ जो है सर्जरी वर्जरी जो चीज़ें आपको ये लगती हैं कि मतलब कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और देखिए इस पे लास्ट पेज पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं कि अभी उनके जो जो काम प्रधानमंत्री के जो योजनाएं आती हैं वो भी इस योजना के द्वारा जो है मिलने के आसार होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना से फिल्म इंडस्ट्री के वर्करों को भी मिलेगा जीवन पेंशन। इस तरह की जो खबरें अभी आ रही हैं इनमें जो है ये राम कदम जी हैं चेयरमैन जो हैं ये जो है बीजेपी के इस समय शामिल हुए हैं और ये जो है कुछ न कुछ कदम बढ़ा रहे हैं वर्करों के लिए और आने वाले समय में कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। अब ये जो है जितने भी काम इन्होंने किए हैं इस लास्ट पेज पे हम आते हैं जहाँ पर पूरे मीडिया में इन्होंने अपने अपने किए गए कामों की जो चीज़ें हैं वो कटिंग यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि आपको लगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये शक्ति जनहित मंच पर ये आर्टिकल छपा था, इसके बाद सलमान खान ने भी कुछ यहाँ पे कुछ किया था वो भी है और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर भी है जो स्वभूमि जो है मुंबई का दबंग दुनिया में नवाकाल, जो भी चीज़ें इन्होंने की है ये सारा का सारा जो है आपके सामने आपके वर्करों के सामने ये लाने की कोशिश इस यूनियन ने की है। इसी तरह के यूनियन के सारे कामों की जानकारी और जो इनके जो जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे जो है चीज़ें लिखी हुई हैं जो मेंबर हर साल 31 मार्च से पहले रेगुलर चंदा भरे होंगे उन्हीं मेंबरों को पहले इन सुविधाओं को दी जाएगी, बाकी लोगों के लिए मैनेजिंग कमेटी निर्णय लेगी। यानी आपको चंदा बरोबर टाइम पर भरना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक बार इसका कार्ड बनवा लेते हैं इसके 25 अलग अलग काम है दोस्तों। ऐसा ही नहीं कि ये जो सेटिंग डिपार्टमेंट है, कैमरा डिपार्टमेंट है, साउंड डिपार्टमेंट है, जो आर्टिस्ट डिपार्टमेंट है, मेकअप डिपार्टमेंट, जूनियर, मतलब बहुत सारे ये यूनियन से जो 26 यूनियन से मिलकर ये जो है ये इकट्ठा एक यूनियन जो है काम करती है। और इनमें जो अगर आप इनका कार्ड बनाते हैं थोड़ा महंगा होगा कार्ड, इनका फ़ोन नंबर और इनका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट अगर इस यूनियन का आप कार्ड बनवा लेते हैं तो ये जो सुविधाएँ मैंने आज आपको बताई हैं इस बुक के जरिए ये आपको मिलेंगी दोस्तों। ये होता है यूनियन का सारा काम। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये यूनियन के बारे में जो आज मैंने आपको ये बताया है, इससे पहले किसी वीडियो में आपको यूनियन की इतनी बारीकी जानकारी नहीं मिली होगी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब आपका कार्ड बनाने का जो ख्वाब है, जो सपना है, जो आप बनाना चाहते हैं, आपके मन में अब सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि आपको कार्ड कौन सा बनाना चाहिए और वो जो कार्ड की यूनियन है वो आपको कितना बेनिफिट देती है। अगर आप काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप समय समय पर पैसा भरते हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और मिलनी चाहिए नहीं ये मिलती है, यह मैंने इस मैगजीन के जो सारी चीज़ें हैं साबित कर दिया है। तो अब आपको फैसला लेना होगा कि आपको किस यूनियन का कार्ड बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी का बनाइए, लेकिन जो भी बनाइए इस तरह की अगर आपको सुविधा मिलती है तो उस यूनियन से आप अपना कार्ड बनाइए। अब आपकी मुश्किलें सॉल्व हो गई हैं कि आपको कौन सी कंपनी का कार्ड बनाना चाहिए, कौन
कौन सी रिंग कार्ड बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और ये जानकारी इससे पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी, तो प्लीज़ मेरे लिए आज लाइक दे दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, बहुत पसीना आ रहा है, अब चलते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।